हेलो गाइस, मैं हूं अब्बास सदा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। आज बात करेंगे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हवाले से। बड़े हैरानकुन नतायज जो है वो अभी तक इस वर्ल्ड शायद अपसेट्स के हवाले से शायद ही कोई वर्ल्ड कप जो है वो इतना सनसनी खेज हुआ होगा जितना ये हुआ है। आयरलैंड के हाथों इंग्लैंड की शिकस्त लोग नहीं भूले, पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त जो है वो भी नहीं भूलेंगे। इसी तरह के अपसेट जो है वो शुरू में नामीबिया ने श्रीलंका को मार दी, डच टीम जो थी उसने साउथ अफ्रीका को मार दी। तो अपसेट्स के हवाले से ये वर्ल्ड कप जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। खुशकिस्मती की बात यह है कि ये अपसेट्स जिस तरह के भी हुए इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए वो खुशहाली बात यह है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुँचा और जिसकी कोई धोखा ही नहीं कर रहा था। तो अब जो मैच हमने देखा है गुज़श्ता रोज उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला जो है उसकी धोखा कर रहे थे शायद, क्योंकि शायद इंग्लैंड जो है वो बड़ा मुश्किल से इंडिया से जीतेगी, लेकिन बड़ा ही वन साइडेड मैच हुआ और ट्रू रनिंग खेली T20 क्रिकेट फॉर्मेट के बिल्कुल तकाजों के मुताबिक जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने, और उन्होंने बिल्कुल ही एकतरफा कर दिया मुकाबला। और अब देखें पाकिस्तान का फाइनल में जो है टकराव वो इंग्लैंड के साथ है, तो देखें क्या होता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन अभी तक 28 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से पाकिस्तान सिर्फ 9 जीत चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल टी20 में कारकर्दगी इतनी अच्छी है, उतनी इंग्लैंड के खिलाफ उस तरह की परफॉर्मेंस मारी नहीं गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी चीज़ें इसमें हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड जो है वो अभी तक सिर्फ जो मैच यहाँ पर मेलबर्न में वर्ल्ड कप में हारा है वो आयरलैंड से मेलबर्न के ग्राउंड पर ही हारा है। तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के हाथ में अच्छी जाती है। ज़ाहिर है एडलेड में जो भी हुआ इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल ही मुकाबला किए बगैर हार गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान भी फाइनल में फाइट नहीं करेगा। अच्छी फाइट हो सकती है, मेलबर्न का ग्राउंड मुख्तलिफ होगा, कंडीशन मुख्तलिफ होंगी और क्राउड भी भरपूर किस्म की सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। इसलिए कि कल देखा गया कि जो इंडियंस हैं उनमें से अक्सरियत जो थी वो टिकट $10-10 में स्टेडियम के बाहर, तो वो जो $10-10 के टिकट इसलिए बेच रहे हैं कि अब उनको तो ज़ाहिर फाइनल में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो वो टिकट खरीदेंगे कौन? वो ज़्यादातर पाकिस्तानी खरीदेंगे जिनको पहले शायद कभी तो सोच नहीं रहे होंगे कि महंगा टिकट है और फाइनल है हमें नहीं मिल सका, तो ये टिकट तो बहुत जल्द बिक गए थे। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें अच्छा मौका मिल गया पाकिस्तानियों को भी कि कम रेट में जो है वो फाइनल देख सकेंगे। तो क्राउड जो है वो भी भरपूर सपोर्ट पाकिस्तान की करेगा। तो इसमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो फेयरलेस किस्म की क्रिकेट जो है वो खेले, क्योंकि आज इंग्लैंड फेयरलेस खेला है तो एक बहुत बड़ी टीम समझी जाती है इंडिया, उन्होंने उनको चारों छाने चित कर दिए। तो पाकिस्तान के लिए भी नामुमकिन नहीं है क्रिकेट में, ना ज़िंदगी में भी नामुमकिन कुछ नहीं होता और क्रिकेट में भी नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो ये नामुमकिन वाली बात को जो निकाल के जहन से पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरना होगा और पूरा जोर लगाना होगा। अच्छे कॉम्बिनेशन बन चुका है और इसमें अब यह है कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट अब किस तरह से करना है। अब ये टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर यह है कि पूरे टूर्नामेंट में हमारे ओपनिंग प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, एक बड़े मौके पे कमबैक किया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को एक आसान फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ज़ाहिर है हमेशा की तरह पाकिस्तान के की प्लेयर होंगे। अच्छी बात यह है कि मिडल ऑर्डर अगर पहले शेकी थी तो टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रही थी, मिडल ऑर्डर जो अब पे थोड़ा बोझ पड़ा तो उन्होंने तौकवाद का बोझ उठाया है। पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन यह है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले मोहम्मद हारिस जो हैं वो भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। अगरचे उनकी कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं है लेकिन मुख्तसर मगर मैच की ज़रूरत के मुताबिक इनिंग होती है। आगे चल के कैरियर में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो क्रीज पर क्याम तवील करने का हुनर भी सीख लेंगे। तीनों इनिंग्स में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन किए लेकिन आसानी से विकेट भी गवाई, तो वो थोड़ा सा इस पहलू को उन्हें कंट्रोल करना होगा।
लेकिन एक्स फैक्टर प्लेयर के तौर पे वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शान मसूद मिडल ऑर्डर में विकेटें अगर जल्द गिर जाती हैं तब भी सिचुएशन संभाल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा तेज रन करने की ज़रूरत पड़ती है तो रिस्क लेके भी मार सकते हैं, तो इसलिए उनका भी एक अपना किरदार है। उसके बाद इफ्तखार अहमद हैं, शादाब और नवाज़ हैं, तो इनसे आलम कारकर्दगी की तो पाकिस्तान को होती है। शादाब खान बॉलिंग में बहुत अच्छे जा रहे हैं, नवाज़ की बॉलिंग भी अच्छी है, अब पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर इफ्तखार भी इनका साथ देते हैं, तो इस तरह से एक अच्छा कम्बिनेशन ओवरऑल है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर जो है वो शहनशाह अफरीदी की फॉर्म में वापसी है। शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान को इब्तदाई ओवर्स में विकेटें दिलवाते रहे हैं, तो अब उनकी ये आदत जो है वो अब दोबारा पूरी होने लगी और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ हारिस जो है वो थोड़ा सा अपनी लाइन लाइन को कंट्रोल करेंगे, कभी कभी लूज गेंद कर जाते हैं। शहनशाह अफरीदी जो है इनका साथ लेने के लिए जो हारिस के अलावा हमारे पास पेसर है उनमें वसीम जूनियर जो है वो स्किडी बॉलर है, और कंडीशंस थोड़ी सी भी फेवर करें तो वो बैटर्स को तंग करते हैं। नसीम शाह भी थोड़ा सा लेंथ का मसला नज़र आ रहा है, कभी कभी वो गेंदें पीछे करते हैं जिसकी वजह से बैटर्स को हावी होने का मौका मिल जाता है, तो उन्हें कोशिश करनी होगी कि रन्स कम लीक करें। पेपर पे देखा जाए तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, तवील बैटिंग लाइनअप है। जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, उनकी इनिंग्स आप सेमीफाइनल में देख चुके हैं, उन पर काबू पाना हमेशा मुश्किल होता है। उसके बाद अगर ये जल्द आउट हो भी जाते हैं तो उसके बाद बेन स्टोक्स हैं, फिल साल्ट हैं, ये इस तरह के प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच का नक्शा बदल सकते हैं। मोइन अली की भी आप इनिंग्स देख चुके हैं, पाकिस्तान में भी जब सीरीज हुई तो उसमें भी मोइन अली ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, तो मोइन अली बेस्ट बैटिंग से बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और बैटर थे जिन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, उनका नाम है हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक जो है वो वर्ल्ड कप में को बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई जो तवक्कुआत के मुताबिक, लेकिन कम गेंदों पे ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाने की सलाहियत रखते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि वो अच्छा खेल चुके हैं तो उनका एतमाद भी बुलंद होगा, तो इसलिए पाकिस्तान को ये पूरी बैटिंग लाइन इतनी लंबी जो है इस पर कंट्रोल पाना होगा। क्रिस वॉइस जैसे जो बॉलर हैं वो भी अगर मारने पाए तो अच्छी पावर हिटिंग कर लेते हैं, तो एक तवील बैटिंग लाइनअप है उसका पाकिस्तान को सामना होगा। पाकिस्तान शायद मार्क वुड की इंजरी का जो मसला चला रहा था उसमें अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई कि वो रिकवर हो गए हैं, तो अगर ये मार्क वुड जो नहीं होते तो क्रिस जॉर्डन थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन उन्होंने 3 विकेटें भी लिए हैं सेमीफाइनल में इंडिया की, तो इसलिए उनको हम जो है क्रिस जॉर्डन को भी नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि PSL में बहुत खेले हैं, पाकिस्तानी बैटर्स की स्ट्रेंथ को जानते हैं, इनकी कुव्वत से वो अच्छी तरह वाकफ़ हैं, इनकी कमज़ोरियों से भी वाकफ़ हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साम करन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं, ओवरऑल इवेंट में भी टॉप परफॉर्मेंस में उनकी जगह बनती, तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सैम करन जो है वो अपनी लेंथ और वेरिएशन से परेशानी पैदा कर सकते हैं। एक अहम जो मोहरा उनका है मोइन अली तो स्पिन बॉलिंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और करेंगे भी, लेकिन एक अहम मोहरा जो उनका वो आदर रशीद है। आदर रशीद ने इंडियन बैटर्स को भी खुल के नहीं खेलने दिया जो कि स्पिन को खेलने के माहिर हैं, तो अगर वो इस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं तो आदर रशीद जो है वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन जो है वो तो एक तरफ बैटिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और तो उसके साथ उनकी जो बॉलिंग है वो भी पाकिस्तान को अब माजी में भी तंग करती रही है, PSL में भी हमने देखा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो ऑलराउंडर के तो